Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग National Institute of Open Schooling का secondary course Social Science Book 2 का Module 4 Contemporary India Issues and Goals Lesson 25 Socio-Economic Development and Empowerment of Disadvantaged ग्रुप्स जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अप नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज डिसएडवांटेज ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। As we have been emphasizing in this lesson, the ultimate goal of socio-economic development has been to ensure that all sections of the society are enabled to be a part of the development process. All must have equal access to the outcomes of development and equal opportunities for upward economic and social mobility. Although it is said that India has been making notable progress, this goal of reaching the development outcomes is yet to be attained by all. There are many population groups that are till today discriminated both socially and economically and are not able to participate freely and fully in the development process and reap its benefits. These are known as disadvantaged groups. Some of such groups are scheduled caste SCs, scheduled tribes STs, other backward classes OBCs, minorities and women. According to Census of India 2001, SCs constitute 16.23% and STs 8.2% respectively. Minorities and other backward classes also have significant share, whereas women constitute almost half of the Indian population. We shall discuss the efforts for the empowerment of scheduled caste, scheduled tribes and women. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये जो लेसन है वो किस पे ज्यादा इम्फेसाइज कर रहा है, किसको ज्यादा जोर दे रहा है, किस पे, तो इसका जो अल्टीमेट गोल है हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और ये इंश्योर क्या करता है कि जितने भी सेक्शंस है सोसाइटी के वो सभी डेवलपमेंट के प्रोसेस के हिस्सा बन सके। हम लोग के पास इक्वली होना चाहिए कि जितने भी डेवलपमेंट है वो इक्वली सबको एक्सेस होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, और अपवर्ड इकोनॉमिक में एंड सोशल मोबिलिटी सबको होना चाहिए। जबकि ये कहा गया कि जो इंडिया है वो एक अपने आप में नोटेबल प्रोग्रेस बना रहा है, मीन्स इसका जो प्रोग्रेस है वो नोट करने लायक है, और ये जो गोल है वो हमें डेवलपमेंट के सीढ़ी तक पहुंचने में हेल्प करेगा, और अभी तक हम लोग डेवलपमेंट पे नहीं पहुंचे, अभी इसको हम लोग को पाना अच्छे से बाकी है। यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऐसा है, पॉपुलेशन ग्रुप्स जिनके साथ आज भी भेदभाव किया जाता है, बोथ एस्पेक्ट्स सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली, उन्हें समाज के तौर पे भी उनसे भेदभाव किया जाता है, उन्हें आर्थिक रूप से भी उनसे भेदभाव किया जाता है, एंड ये एबल नहीं होते कि ये फ्रीली एंड फुली डेवलपमेंट प्रोसेस में और इसके जो भी बेनिफिट्स है वहां तक ये पार्टिसिपेट कर सके। और इससे हम लोग किस ग्रुप से नाम किस ग्रुप के नाम से जानते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप्स। कुछ ऐसे ग्रुप्स है जो डिसएडवांटेज्ड है वो है शेड्यूल कास्ट विच इज आल्सो नोन एज एससीज, शेड्यूल ट्राइब्स विच इज आल्सो नोन एज एसटीज, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस नोन एज ओबीसीज, फिर माइनॉरिटीज एंड वीमेन। ये सब कौन है, डिसएडवांटेज ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू सेंसस इंडिया 2001 के अनुसार जो एससीज है वो 16.23% है एंड एसटीज 8.2% थे। माइनॉरिटीज एंड जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है इनका सिग्निफिकेंट शेयर है, वहीं पे हमारी जो वुमेन है वो हाफ जो इंडियन पॉपुलेशन है उनको कॉन्स्टिट्यूट करती है। हम लोग इस यहाँ पे ये जो टॉपिक है हम लोग उसमें पढ़ेंगे एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन। सो हियर इज योर टॉपिक एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन। The urgent need for empowerment of scheduled caste and scheduled tribes in the country was realized in India on the eve of independence to reduce the regional disparities and uplift the status of these communities. Constitution of India makes a number of commitments under its various provisions for the development of these groups. Towards fulfilling the commitments,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड अ थ्री प्रोंग स्ट्रेटजी ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस टू एंश्योर रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड सेपरेशन एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दिस डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो हम लोग को इतना जरूरत क्यों पड़ गई कि हम लोगों ने स्पेशल स्कीम चलाया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का, कि जो हम लोग के कंट्री, हम लोगों ने क्या रियलाइज किया कि जब हमें आजादी मिल रही थी तो वहां पे बहुत सारे ऐसे थे डिस्पैरिटीज, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे सेक्शन थे जिनका इकोनॉमिकली कोई स्टेटस नहीं था, एंड इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इन कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए हमें वर्क करना था। दैट्स व्हाई इनके एम्पावरमेंट की हमें जरूरत पड़ी। जो हमारा संविधान है भारत का, उसने बहुत सारे कमिटमेंट्स किए हैं अपने अलग अलग प्रोविजंस के अनुसार कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं उनका डेवलपमेंट हो सके, एंड अपने कमिटमेंट्स को ये फुलफिल करने के लिए जो गवर्नमेंट है इंडिया का, वो थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाई है कि सोशल एम्पावरमेंट, दूसरा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड तीसरा क्या सोशल जस्टिस, जिससे जितनी भी डिस्पैरिटीज या फिर एक्सप्लॉइटेशन के जो एलिमिनेशन हो सके, जो भी लोग सप्रेस्ड हो रहे हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके या डिसएडवांटेज ग्रुप्स के। सोशल एम्पावरमेंट, एजुकेशन बीइंग द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप्स, हाई प्रायोरिटी कंटिन्यूज टू बी अकॉर्डेड टू इम्प्रूव द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ दिस ग्रुप्स, द फॉलोइंग मेजर्स आर इम्पॉर्टेंट। तो ये जो एजुकेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स का है, एंड इसका एक हाई प्रायोरिटी कंटिन्यू रहता है किसके अकॉर्डिंग, एजुकेशनल स्टेटस, जो भी ये ग्रुप्स है उनके एजुकेशनली अगर हम लोग उनका स्टेटस देखें तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे मेजर्स उठाए, मीन्स हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए। With respect to elementary education, various incentives in the form of abolition of tuition fee, free supply of books, midday meals and scholarships are provided. Special focus has also been on ST students in Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya and National Talent Search Scheme. तो एलिमेंट्री एजुकेशन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसमें जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके ट्यूशन फ्री फ्री होते हैं, मीन्स उनको ट्यूशन फी नहीं देना पड़ता, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स मिलता है, मिड डे मील्स दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, एंड इनके जो बच्चे उन पर स्पेशल फोकस किया जाता है, एसटी स्टूडेंट्स को जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ते हैं, फिर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, फिर नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम में पढ़ते हैं। There are also major scholarship programs. Post-matric scholarships are awarded to promote higher education beyond matriculation. Pre-matric scholarships are given to encourage children of scavengers and those engaged in menial works to pursue education. Upgradation of matric scheme is aimed at extending remedial and special coaching. Rajiv Gandhi National Fellowships for SC students provide a special incentive to pursue higher studies and research. तो यहाँ पे मेजर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी किए गए हैं, जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स क्यों दिया जाता है, ताकि उनके हायर एजुकेशन जो मैट्रिकुलेशन बच्चे कर ले तो उनके हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्यों दिया जाता है, प्री मैट्रिक इसलिए दिया जाता है कि जो भी बच्चे हार्ड वर्क करते हैं अपने एजुकेशन के लिए उनको उतना हार्ड वर्क ना करना पड़े एंड वो इजिली पढ़ाई को अपना कंटिन्यू रख सके। जो हमारा मैट्रिक स्कीम है उसका अपग्रेडेशन किया गया था ताकि इसका लक्ष्य क्या था कि ये रिमेडियल बना रहा है या फिर स्पेशल कोचिंग करवा रहा है बच्चों से। जो राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वो एक प्रोवाइड करता है स्पेशल इंसेंटिव्स, मीन्स इसके पास एक कोई अलग इसने अपने स्टेप्स उठाए जिससे जो बच्चे हैं वो हायर स्टडीज कर सके और रिसर्च के रिसर्च में वो इन्वॉल्व हो सके। कोचिंग फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो जो बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रिपेयर कर रहे हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो उनके लिए कोचिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई है। हॉस्टल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज फॉर परस्यूइंग एजुकेशन फ्रॉम अपर प्राइमरी स्टेज ऑनवर्ड्स। तो हॉस्टल फैसिलिटीज भी बच्चों को दी गई है, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, ताकि वो एजुकेशन को परस्यू कर सके प्राइमरी स्टेज के बाद। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। द फॉलोइंग एपेक्स फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैव सेड बीन
हैव बिन सेट अप। तो जो एम्प्लॉयमेंट या जो इनकम जनरेशन प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया ताकि जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सके। एंड इसके कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एपेक्ट्स है। द नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSFDC provides financial and other support to beneficiaries for taking up various income generating activities. तो जो हमारा नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, विच इज ऑल्सो नोन एज NSFDC, ये प्रोवाइड क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट और भी कई सारे बेनिफिशियरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे जो इनकम जनरेट एक्टिविटीज है वो थोड़ा सा बढ़ सके। द नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSKFDC provides financial and other support to safai kermacharis for taking up various income generating activities. तो यहाँ पे आपका एक और corporation है, National Safai Karmchari Finance and Development Corporation. ये provide करता है financial या फिर जो भी safai kermacharis है उनको किसी तरह से support करता है जिससे वो अपने income को generate कर सके। The National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC) supports various income and employment generating activities through loans, marketing support, training and so on. The National Scheduled Tribes Finance और जो Development Corporation है वो क्या support करता है, अलग अलग income को, जिससे employment generating activities हो सके loans के द्वारा, और इनको training दी जाती है, इनको marketing support दिया जाता है जिससे ये बेहतर को कर सके। The Scheduled Caste Development Corporation (SCDCs) finance employment oriented schemes that cover agriculture and allied activities including minor irrigation, small scale industry, transport and trade and service sector. So the Scheduled Caste Development Corporation (SCDCs) finance employment या फिर जो finance employment जो oriented schemes है वो क्या cover करता है, agriculture को and इससे जो भी जुड़े हुए activities है उसको, जैसे minor irrigation हो गया, small scale industry हो गया, transport और trade और फिर service sector. The Scheduled Tribes Development Corporations (STDCs) function as challenging agencies and extending financial and other assistance to beneficiary. The Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED) provide marketing assistance to estates for collection of minor forest produce and surplus agriculture produce. तो यहाँ पे एक और आपका कॉर्पोरेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका फंक्शन क्या है कि ये एजेंसीज को चैनलाइज करते हैं, चैनलाइजिंग करते हैं, उसके बाद ये एक्सटेंड करते हैं अपने फाइनेंशियल अदर असिस्टेंस ताकि इनको इनसे कुछ फायदा मिल सके। ये जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है इंडिया का, ये प्रोवाइड क्या करता है एसटीज के ग्रुप को कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर सके और जो भी सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको ये कलेक्ट कर सके। Social justice. The Constitution of India guarantees protection from social injustice and all forms of exploitation. Some protective legislations have also been made. The Protection of Civil Rights Act 1955, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989, and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006 are important. हमारा जो संविधान है भारत का वो गारंटी करता है जितने भी सोशल इनजस्टिस हो रहे उनके लिए लोगों को प्रोटेक्शन देना, या फिर जितने भी प्रकार के एक्सप्लोइटेशन उनसे शोषण किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देना, कुछ प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन है उसको भी बनाया गया। एंड ये जो प्रोटेक्टिव सिविल राइट्स एक्ट है 1955 में लागू किया गया था, शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब्स है इनके एट्रोसिटीज की प्रिवेंशन के लिए एक्ट तैयार किया गया था 1989 में। शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जिनको हम लोग फॉरेस्ट राइट्स दिए गए एक एक्ट द्वारा 2006 में, ये इन ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। Women empowerment. The principle of gender equality is enshrined in the Indian Constitution and its preamble. Fundamental rights, fundamental duties and directive principles. The Constitution not only grants equality to women but also empowers the state to adopt measures of positive discrimination in favor of women. However, there still exists a wide gap between the accepted goals and related mechanisms on the one hand and the situational reality of the status of women in India on the other.
The access of women, particularly those belonging to weaker sections of society, to education, health, and productive resources is inadequate. They remain largely marginalized, poor, and socially excluded. But a number of programs are being implemented and various kinds of efforts, as shown in the following figure number 25.6, have been made to empower women. The following major steps are being undertaken for empowerment of women. तो हम लोग का एक प्रिंसिपल है जेंडर इक्वालिटी का. ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें फंडामेंटल राइट्स एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया गया है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पहले आप उससे पहले ये जो हमारा फिगर है 25.6 वुमेन एम्पावरमेंट इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना. फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ ना की ग्रांट करता है इक्वालिटी वीमेन के लिए बल्कि ये जो भी स्टेट है उसके लिए वो उसने उसको इम्पावर किया गया है वीमेन को और इसके लिए मेजर्स स्टेप उठाए गए जैसे कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो कि वीमेन के फेवर में नहीं होता था बस डिस्क्रिमिनेशन होता था उस चीज को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है. हाउएवर यहाँ पे अभी भी बहुत बड़ा गैप है जो भी हम लोग को गोल एक्सेप्ट करना है या फिर हम लोगों ने जो जैसा भी हम लोगों ने सपना देखा उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है. जो रियलिटी सिचुएशन है वो विमेन का जो स्टेटस है वो अभी हम लोग का उतना बेहतर नहीं हो पाया हमारे सोसाइटी में. जो विमेन का एक्सेस है जो कि वीकर सेक्शन से बिलोंग करती है सोसाइटी एजुकेशन में हेल्थ में या फिर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में वो अभी उनको नहीं मिल पाया है और वो अभी मार्जिनलाइज्ड है पुअर है एंड सोशली एक्सक्लूडेड में उनको बाहर समाज से बाहर अभी रखा गया. बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए गए हैं बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं जैसे कि फिगर नंबर 25.6 में अभी आपने देखा कि विमेन को एम्पावर किया जा रहा है. यहाँ पे कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए हैं विमेन के एम्पावरमेंट के लिए. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सिंस विमेन कंप्राइज द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन पॉवर्टी एडिक्शन इरेडिकेशन प्रोग्राम्स आर स्पेसिफिकली एड्रेस टू देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स. तो जो वीमेन है उनका मेजोरिटी है हमारे पॉपुलेशन में जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे उनमें तो ये जो पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स चलाया गया है जिससे उनके नीड्स और उनके प्रॉब्लम्स को समझा जा सके. In view of the critical role of women in the agriculture and allied sectors as producers, concentrated efforts are being made to ensure that benefits of training extension and various programs reach them in proportion to their numbers. तो जो क्रिटिकल रोल वीमेन प्ले करती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर अलाइड सेक्टर से रिलेटेड हो जैसे कि प्रोड्यूसर्स है कंसंट्रेटेड एफर्ट्स लगा रही है वो किसी चीज में या फिर उनकी जो भी ट्रेनिंग हो रही एक्सटेंशन ट्रेनिंग एक्सटेंशन किए जा रहे हैं वेरियस प्रोग्राम्स उनको ले पहुंचाया जा रहा है ताकि उनकी जो भी प्रोपोर्शन है उस हिसाब से उनको अच्छा और बेहतर मिल सके. Comprehensive support in terms of labor legislation, social security and other support services is provided to women to enable them to participate in various industrial sectors, especially electronics, information technology, food processing, agro industry and textiles. तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट भी देखने को मिलता है लेबर लेजिस्लेशन में सोशल सिक्योरिटी में एंड जो भी अदर सपोर्ट सर्विसेज है उसमें वीमेन को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है फूड प्रोसेसिंग है या फिर एग्रो इंडस्ट्री और टेक्सटाइल्स है यहाँ पे उनका एक अच्छा पार्टिसिपेशन होना चाहिए. The provision of support services for women like child lar facilities including crèches at workplaces and educational institutions, homes for the aged and the disabled are being improved to create an enabling environment and to ensure their full cooperation in social, political and economic life. तो यहाँ पे हम लोग प्रोविजन देखते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट सर्विस है विमेन का जैसे कि जो भी चाइल्ड और केयर फैसिलिटीज है विमेन को दिए जा रहे हैं उसमें बहुत सारे वर्क प्लेसेस पे उनको क्रिचेस मिल रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे या फिर जो भी होम्स दिए जा रहे हैं जो भी एज्ड और डिसेबल्ड पीपल है उनको डिसेबल्ड विमेन के लिए जिससे उनका जो भी इम्प्रूवमेंट हो सके उनके इन्वायरमेंट में और एक अच्छा वो जीवन सोशली पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली वो अपना जीवन स्पेंड कर सके. Social empowerment. Efforts are being made to ensure equal access to education for women and girls, eliminate discrimination, universalize education, eradicate illiteracy, create a gender-sensitive educational system, increase enrollment and retention rates of girls, and improve the quality of education to facilitate lifelong learning as well as development of occupational, vocational, technical skills by women. तो यहाँ पे एफर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं जिससे इंश्योर किया गया कि जितने भी वुमेन और गर्ल्स हैं उनको इक्वली एक्सेस हो सके उनका एजुकेशन
डिस्क्रिमिनेशन उनके प्रति ना हो या फिर जो भी एजुकेशन उसका यूनिवर्सलाइज हो। और हम लोग देखते हैं इसमें कि इलिटरेसी को इरेडिकेट किया जा रहा है, यहाँ पे जेंडर सेंसिटिव एजुकेशनल सिस्टम बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे इनरोलमेंट और जो भी रिटेंशन रेट्स है गर्ल्स का उस चीज को इम्प्रूव करने में कोशिश की जा रही है, या फिर जो भी हम लोग देखते हैं एजुकेशन की क्वालिटी में, या फिर फैसिलिटेट किया जा रहा है उनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल वोकेशनल टेक्निकल स्किल्स बाय वुमेन, इन सबको ये सब चीजें की ट्रेनिंग दी जा रही है। A holistic approach to women's health, which includes both nutrition and health services, is being adopted, and special attention is being given to the needs of women and girls at all stages of the life cycle. एक होलिस्टिक अप्रोच किया जाता है जो विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड, इसमें न्यूट्रिशन एज वेल एज हेल्थ सर्विस दोनों आता है। इसको अडॉप्ट किया गया है, इस एक स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है जिससे जो विमेंस है और जो गर्ल्स है जितने भी उनका स्टेज है लाइफ साइकिल का उनपे उनकी जो बेसिक नीड्स है उनका फुलफिलमेंट हो सके। In view of the high risk of malnutrition and illness that women face, focused attention has been paid to meet the nutritional needs of women at all stages of the life cycle. तो हम लोग जहाँ पे देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन का हाई रिस्क है या फिर विमेन डिजीज को फेस कर रही है तो उनके ऊपर एक बेहतर ध्यान दिया जाता है जिससे उनका जो न्यूट्रिशन रेट है विमेन का जितने भी जिस भी स्टेज पे है लाइफ साइकिल के उनको वहाँ पे फुलफिलमेंट उसका किया जा सके। Elimination of all forms of violence against women, physical and mental, whether at domestic or societal levels, including those arising from custom, traditions or accepted practices, has been getting topmost priority. तो जितने भी वायलेंस किए जा रहे विमेन के खिलाफ में उसका एलिमिनेशन किया जा रहा है, जैसे फिजिकली हो, मेंटली हो, या फिर डोमेस्टिक हो, सोसाइटल लेवल्स पे हो, या फिर ये किसी कस्टम्स ट्रेडिशंस की वजह से हो, तो ये सब जो भी एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस है उन सबको अभी ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, ये इन सबको बंद कर दिया जाए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, विमेन हैव बीन एंजॉयिंग राइट टू वोट एंड contest any elections ever since independence. They have right to participate equally in decision making at all levels of governance. The 73rd and 74th amendments 1993 to the Indian constitution have served as a breakthrough towards ensuring equal access and increased participation in political power structure by providing 33.3% of reservation of seats for women in rural and urban local bodies. This has played a central role in the process of enhancing women's participation in public life. A bill to provide reservation of seats in Lok Sabha and state assemblies is under consideration by parliament. तो विमेन को पार्टिकली भी इम्पावर किया जा रहा है, जो विमेन है अभी उनके पास राइट है कि वो वोट को कॉन्टेस्ट कर सके किसी भी इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर सके, और उनके पास राइट टू वोट का भी अधिकार है जब से इंडिपेंडेंस हुआ है, इनके पास राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग, जितने भी गवर्नेंस के बॉडी है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। जो 73rd और जो 74th अमेंडमेंट्स हुए थे 1993 में, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि किस तरह से हम लोग जो इक्वल एक्सेस या फिर इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर में विमेन के रिजर्वेशन के थ्रू, एंड इनका जो रिजर्वेशन परसेंट है वो 33.3% विमेन का रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में, और एक सेंट्रल रोल का प्रोसेस है जिसमें विमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में एनहांस किया जा रहा है। एक बिल को प्रोवाइड किया गया रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में, और ये पार्लियामेंट के कंसीडरेशन में दिया गया था। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व द टेक्स्ट क्वेश्चन 25.3। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा, तब तक के लिए इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।